इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बेहद अहम खबर आपको बता दें, जो कि हरियाणा से आ रही है। राइस मिल की फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही थी राइस मिल्स की, वो पूरी हो चुकी है। अभी तक सरकार की ओर से किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं आ पाया है। विपक्ष ने करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था। विपक्ष ने इससे पहले भी कई बार आरोप लगाया है करोड़ों के घोटाले का। राइस मिल की फिजिकल वेरिफिकेशन अब पूरी हो चुकी है, अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। विपक्ष ने करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था। फिजिकल वेरिफिकेशन राइस मिल्स की पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, एक बार फिर हुई है, और अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन लगातार विपक्ष करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाता रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से राइस मिल्स की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई और अब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस राइस मिल्स की फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर किसी तरीके का जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि तमाम जो विपक्ष है वो राइस मिल्स को लेकर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाता रहा है, और अब इन राइस मिल्स की फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता पवन, और क्या जानकारी आ रही है? देखिए, आज हरियाणा में जो धान की फिजिकल वेरिफिकेशन जो मिलों में हुई है उसका काम पूरा हो चुका है। जो तय समय था उसके मुताबिक काम पूरा हो चुका है, और अब जो है वो देखना यही होगा कि इस रिपोर्ट में निकलकर क्या सामने आता है। चूंकि लगातार ये दावा किया गया कि धान की जो फिजिकल वेरिफिकेशन मिलों से करवाई जाएगी, उसके बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कितना किस तरीके का स्टॉक जो है वो कौन कौन सी मिल में मिला है। और आज जो है वो देखने वाली बात रहेगी कि सरकार की तरफ से क्या जानकारी धान की जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है उसमें निकल कर आई है, इसकी जानकारी क्या मिलती है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। उनका ये आरोप है कि मिलों में जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है उसमें बड़ी धांधली बरती गई है। लेकिन देखना होगा सरकार का जब आंकड़ा आएगा, सरकार की जब रिपोर्ट आएगी तो इसमें क्या निकल कर आता है। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष ने करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था, राइस मिल्स की फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है।